स्वागत है दोस्तों मिस्टीरियस फैक्ट्स इन हिंदी चैनल का एक और वीडियो में। कुछ दिन पहले हमारे चैनल पे कुछ स्कैरी टिकटॉक वीडियोस हमने अपलोड किया था जो आप लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आया था, और जो लोग अभी भी वो एपिसोड नहीं देख पाए तो ऊपर लगे आई बटन में क्लिक करके देख लीजिए। इस वीडियो में भी कुछ ऐसे टिकटॉक वीडियोस आप लोग देखने वाले हैं जो कुछ सुपरनैचुरल या पैरानॉर्मल फेनोमेनन को दर्शाते हैं। इनमें से कुछ वीडियोस सीसीटीवी फुटेज है, लेकिन ये सारे वीडियोस टिकटॉक पे अपलोड हुआ था। और अगर आप लोग चाहते हैं तो इन टिकटॉक यूजर्स के चैनल को ब्राउज करके ही आप लोग ये सारी अनोखी वीडियोस देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं। नंबर 5, एपरिशन मूव्ड ऑन सीसीटीवी। टिकटॉक यूजर @ericker_1971 के चैनल पे अपलोड हुआ ये वीडियो बेसिकली एक सीसीटीवी फुटेज है जो शायद घर के बाहर गैरेज के सामने इंस्टॉल था। ये वीडियो में यूजर के मुताबिक एक होस्टली इमेज कैप्चर हुआ है। आप लोग क्लियरली देख पाएंगे कि एक व्हाइट शैडो जैसे फिगर कैमरे के सामने से चला जाता है और धीरे धीरे लेफ्ट साइड के फेंस की तरफ मूव होता है। यूजर एरिकर के मुताबिक ये शैडो उसकी पिता की होगी जो कुछ दिन पहले ही चल बसे थे। अगर आप लोग थोड़ा स्लो प्ले करके देखेंगे तो क्लियरली लगेगा कि एक व्हाइट शैडो की मूवमेंट्स बेसिकली एक इंसान की पैदल चलने जैसे लग रहा है। क्या ये सच में कुछ पैरानॉर्मल फेनोमेनन का प्रतीक है या ये कोई कैमरा ग्लिच का नतीजा है? नंबर 4, सिनिस्टर हॉन्टिंग सीरीज। ये एक नहीं बल्कि एक सीरीज ऑफ वीडियो फुटेजेस है जो टिकटॉक यूजर @itsbrookroberts नाम की टिकटॉक चैनल पर अपलोड हुआ था। वीडियो डिस्क्रिप्शन के मुताबिक घर में चल रहे कुछ डिस्टर्बेंसेस को एविडेंस रखने के लिए ब्रूक और उनके फैमिली मेंबर्स ने घर में कुछ जगह पे सिक्योरिटी कैमरा इंस्टॉल किया था ताकि रात के अंधेरे में एग्जैक्टली क्या हो रहा है पता चले। पहले वीडियो में शायद बेडरूम का फुटेज देखा जा सकता है जहां पे हम लोग क्लियरली कुछ अनहोनी होता हुआ देख सकते हैं। कोई सो रहा है और धीरे धीरे एक अनदेखा ताकत उस इंसान के ऊपर से कंबल हटा रहा है। अगले वीडियो में एक दूसरे कैमरे द्वारा कैप्चर्ड एक और इंसिडेंट हम लोग देख सकते हैं जहां पे शायद किचन के टेबल पे रखा एक ग्लास अचानक से गिर जाता है और जोर से आवाज भी आता है। ये आवाज इतना तेज था कि घर का एक इंसान अचानक नींद से उठ जाता है। लास्ट वीडियो में तो हद ही हो जाता है, यहाँ पे बिस्तर पे सोया हुआ एक इंसान को कोई नीचे खींच रहा होता है। यहाँ पे वो इंसान डर के मारे चीखता है और नीचे सोया हुआ ब्रूक भी तुरंत उठ के उस इंसान के मदद को भागता है। ये सीरीज ऑफ वीडियोस क्या सच में कोई पैरानॉर्मल इवेंट्स का एविडेंस है या ये कोई सीरीज ऑफ प्रैंक वीडियोस है? टिकटॉक में वीडियोस वायरल करने का कोई तरीका भी हो सकता है, क्योंकि सच में ये सब अगर हुआ होता तो इंसान या तो भागेगा या तो पूरी तरीके से जांच पड़ताल करेगा, टिकटॉक वीडियोस क्यों बनाएगा। जो कुछ भी हो आप लोग अपना व्यू जरूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा। नंबर 3, मिस्टीरियस क्रिएचर कॉट ऑन कैम। ये बेसिकली दो अलग अलग टिकटॉक वीडियोस है और ये वीडियोस @jigglypuff666999 नाम की एक टिकटॉक चैनल पे अपलोड हुआ था। सन 2019 के नवंबर में अपलोड हुआ ये दो वीडियोस का लोकेशन था यूनाइटेड स्टेट्स के एरिजोना में स्थित डेजर्ट विलो पार्क। ये दो वीडियोस बहुत ही अजीब और रियल है। पहले वीडियो में एक अद्भुत क्रिएचर या प्राणी को अजीब तरीके से चलते हुए देखा जा सकता है और एक अजीब गुर्राने का भी एक साउंड हम लोग सुन सकते हैं। यहां से वीडियो कट होके पार्क के एंट्रेंस में लगे शेड के गेट के साइड फोकस करता है जहां पे कोई जोर जोर से गुर्राते हुए गेट को बाहर से धक्का मारता रहता है। क्लियरली ऐसा लग रहा है कि शेड में कोई या कुछ ट्रैप हो गया है और गुर्राने का साउंड भी इंसान जैसा नहीं लग रहा। यहां पे ये पहला वीडियो एब्रप्टली खत्म हो जाता है। उसी चैनल पे उसी दिन अपलोड हुआ ये दूसरा वीडियो में हम लोग फिर से वही डेजर्ट विलो पार्क को देख सकते हैं। वीडियो की शुरुआत में
हम लोग फिर से वो अजीब गुर्राने का साउंड सुन सकते हैं जो हम पहले वीडियो में पहले भी सुन चुके हैं। और यहीं पे फिर से वो सेम क्रिएचर को पार्क के दूसरे साइड भागते हुए देखा जा सकता है। वो क्रिएचर का भागने का स्टाइल देख के तो कोई एप या गोरिल्ला जैसा लग रहा है। जो भी हो, ये दो वीडियोस एकदम रियल है, क्योंकि एरिजोना के डिजर्ट विलो पार्क एरिया के काफी सारे लोग उस दिन और उसके अगले दिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हेल्पलाइन में फोन करके एक गोरिल्ला जैसे क्रिएचर को देखने का दावा कर चुके हैं। और ये बात लोकल मीडिया में भी हाईलाइट किया गया था। लेकिन ताज्जुब की बात यह था कि एरिजोना के इर्द गिर्द मिलो मिलो तक कोई एप या गोरिल्ला होने की गुंजाइश ना तो कभी थी ना आज है। अगर ये सच में गोरिल्ला है तो आया कहां से? नंबर टू, गेम रूम टर्न्स हॉन्टिंग रूम। एट द रेट साखी 9 नाम के टिकटॉक यूजर के चैनल पर अपलोड हुआ यह वीडियो नॉर्मली एक टेबल टेनिस मैच पे फोकस कर रहा था, जहां पे एक गेम रूम के अंदर दो दोस्त एक टेबल टेनिस मैच खेल रहा होता है। लेकिन अचानक से पीछे का दरवाजा खुल जाता है, जबकि बाहर कोई नहीं था। दोनों तुरंत दरवाजे की तरफ भागता है और बाहर चेक करने लगता है। कुछ ही सेकेंड्स बाद रूम के अंदर रखे एक पर्पल टब अपने आप ही गिर जाता है। क्लियरली ये सब देख के डर के मारे गिरगिराते हुए लड़खड़ा के वो दो शेर वहां से भाग जाता है और वीडियो यहीं पे खत्म हो जाता है। ये अगर प्रैंक था तो काफी इजी और आसान था, और अगर ये पैरानॉर्मल एक्टिविटी था तो उतना ही खतरनाक था। मेरे ख्याल से ये प्रैंक था, क्योंकि इस चैनल पे काफी सारे प्रैंक वीडियोस पहले से ही अपलोडेड था, जिसमें इस वाले में ज्यादा व्यूज था। नंबर वन, डांसिंग विद हेयर्स। टिकटॉक में दोस्तों हजारों लाखों के तादाद में डांस वीडियोस मिलेंगे, जहां पे कुछ पॉपुलर म्यूजिक के साथ साथ लोग अपने डांस की कला पेश करते हैं, जो मेरे ख्याल से कला नहीं बल्कि टॉर्चर होता है। लेकिन ये वीडियो एक्चुअली में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। टिकटॉक यूजर @isChantel8 के टिकटॉक चैनल पे वैसे तो काफी सारे डांस वीडियोस हैं, लेकिन ये वाला वीडियो में कुछ ऐसा हुआ जो शायद आप लोगों को काफी ज्यादा हैरत में डाल सकता है। वीडियो के चलते कुछ सेकंड्स के लिए ही सही, एक बार चैंटेल के सर के बाल पीछे से अपने आप ऊपर उठ के फिर से सही हो जाता है। ऐसा लग रहा है कि कोई अचानक से उसकी बाल खींच दिया होगा। चैंटेल तुरंत पीछे मुड़ के देखती है और फिर क्लोजली कैमरे के पास आके अपने बालों को चेक करती है। पैरानॉर्मल रिसर्चर्स के काफी सारे आर्टिकल्स में मैंने पढ़ा है कि जब कोई पैरानॉर्मल एंटिटी हमारे आजू बाजू होता है तो वो हमारे सराउंडिंग्स में चीजों को मैनिपुलेट करने की कोशिश करके हमारा ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करता है, और ये केस में भी ऐसा ही हुआ होगा। मेरे मुताबिक ये वीडियो जेन्युइन है, और अगर ये सच में प्रैंक हुआ तो भाई या बहन के दिमाग को सलाम। अगर दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो हमेशा की तरह वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और हमारे चैनल को जो आज पहली बार देख रहे हैं तो हमारे पिछले वीडियोस को आप लोग एक बार ज़रूर देखिए, और अगर हमारे चैनल के वीडियोस आप लोगों को पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल की सब्सक्राइबर संख्या 50,000 तक होने में हमारी मदद कीजिए। कोशिश कीजिए कि फरवरी महीने के अंदर हमारा 50,000 सब्सक्राइबर पूरा हो जाए। तो दोस्तों ये रही हमारी आज की वीडियो, तो इंतज़ार कीजिए हमारी अगली वीडियो का।